आज हम बहुत ही स्वादिष्ट चना मसाला बना रहे हैं। इस तरह से आप चना मसाला बनाइए, गर्मा गर्म राइस और रोटी के साथ खाइए, बहुत टेस्टी लगता है। चलिए इसे अब हम बनाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मनोरमा। कुक विद मनोरमा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। चना मसाला बनाने के लिए यहाँ पर हमने चना लिए, वजन में 250 ग्राम चना है। इसे हमने 6 से 7 घंटे भिगो कर रखे थे और अच्छे से वॉश कर लिए है। यहाँ पर हमने 2 टमाटर लिए हैं जिसे कट कर लिए है, 3 से 4 हरी मिर्च है, 20 से 25 कली। यहाँ पर हमने लहसुन लिए है, 1 से 1.5 इंच अदरक है जिसे हमने छील कर वॉश करके टुकड़ों में कट कर लिए है। इन सबको अच्छे से हम महीन पीस लेंगे। मसाला देखिए हमारा पीस का तैयार हो गया है। चना मसाला को हम कुकर में बनाएंगे। यहाँ पर हमने 2 चम्मच सरसों का तेल गर्म कर लिए है। इसमें हम 1/4 चम्मच जीरा डालेंगे और जीरा को तड़का लेना है। जीरा देखिए तड़क चुका है। इसमें हम 2 प्याज डालेंगे, 2 छोटे साइज का प्याज हमने लिए है। प्याज का कलर चेंज हो जाए तब तक हम प्याज को तेल में पकने देंगे। प्याज का कलर देखिए चेंज हो चुका है। इसी समय इसमें हम पिसे हुए मसाले डाल देंगे, थोड़ा सा पानी डालेंगे, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डालना है, 1 छोटा चम्मच यहाँ पर हमने धनिया पाउडर डाले हैं, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर है, तीखा आप अपने हिसाब से लीजिए, 1 चम्मच नमक है, स्वादानुसार नमक डालेंगे इसमें हम। सारे मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेना है और मसाले को अच्छे से हमें पका लेना है। ऑयल सेपरेट हो जाए, मीडियम आंच पर हम मसाले को अच्छे से 6 से 7 मिनट भून लेंगे। मसाला देखिए अच्छे से भुना गया है, ऑयल भी सेपरेट हो गया है। इसी वक्त इसमें हम चना डाल देंगे और मिक्स कर लेंगे। मसाले में चने को भी 5 से 6 मिनट हम अच्छे से भून लेंगे। इस तरह से भुनने से सब्जी का टेस्ट दोगुना हो जाता है, खाने में बहुत अच्छा लगता है। चना को भी मसाला के साथ में हमने 5 से 6 मिनट भून लिए हैं। मसाला की भुनाई बहुत अच्छे से हो चुकी है। अब इसमें हम पानी डालेंगे, 2 ग्लास पानी डालना है। अब ग्रेवी में हम बॉईल आने देंगे। ग्रेवी में बॉईल आ चुका है, इसमें हम 1/2 चम्मच गरम मसाला डाल देंगे। आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो एक लाइक करिए, कुक विद मनोरमा चैनल को सब्सक्राइब करिए। कटी हुई हरी धनिया डाल देंगे और मिक्स कर लेना है। अब लीड लगा देंगे और 4 से 5 सीटी लगाना है। 5 सीटी में अच्छे से चना गल के तैयार हो जाएगा और सीटी का प्रेशर हम नहीं निकालेंगे, खुद से निकलने देना है। चटपटा चना मसाला बनकर देखिए तैयार। इसे आप गर्मा गर्म राइस रोटी के साथ सर्व करें, सुपर टेस्टी बना है।